लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सरकार भूल चुकी है अपने वादे, जुमलेबाजों के हाथों में चला गया देश, लोकसभा में बोले मोहम्मद सलीम। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने जो वादे किए थे वे 4 साल बाद भी अधूरे हैं। नई दिल्ली, केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज 20 जुलाई लोकसभा में चर्चा हो रही है। संसद में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए पार्टी के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि बीजेपी की सरकार के देश के विकास के लिए कुछ भी नया नहीं किया है। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने जो वादे किए थे वे 4 साल बाद भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवा आज भी उन जुमलों को याद कर रहा जिसमें उसके अच्छे दिनों को लाने के वादा किया गया था, लेकिन उसके खाते में आए तो वो बुरे दिन थे। मोहम्मद सलीम के भाषण की खास बातें, 10-17 साल में जो देश में जितनी बर्बादी हुई उतनी बीजेपी के शासन में 4 साल में हुई है। लोकसभा चुनावों में केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है और देश जुमलेबाज के हाथ में पड़ गया है। राहुल ने भी साधा पीएम पर निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कुछ ले जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, लेकिन दोस्त अमित शाह के बेटे की आमदनी बढ़ी तो पीएम मोदी कुछ नहीं बोले। राफेल सौदे पर भी राहुल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी गए तो सौदे का बजट बढ़ा दिया गया, जादू से यह दाम 1600 करोड़ रुपए हो गया।